नमस्कार दोस्तों, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार वरूथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और वरूथनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए आज हम वरूथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। वरूथनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के राजा का राज हुआ करता था। वह तपस्वी थे। एक समय ऐसा आया कि राजा की तपस्या के दौरान एक जंगली भालू आया और उसके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देख राजा अधिक डर गया। रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इस दौरान उसने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुन प्रभु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से वह बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को वरूथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने वरूथनी एकादशी का व्रत किया और मृत्यु के बाद राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा ने प्रभु की बात मानकर वरूथनी एकादशी व्रत किया और उसने वराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह वरूथनी एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों, वरूथनी एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।